जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी के लिए कुछ रोचक तथ्य एक कहानियाँ लेके आया हूँ। क्या हुआ था, एक बार गौतम बुद्ध और एक गुरु थे उनके, जो वरिष्ठ थे वैसे एज में, तो वो साथ साथ बैठे थे। उन्होंने क्या भोजन के लिए बुलाया था, तो भिक्षुक थे उस टाइम, भिक्षुक बन चुके थे महात्मा बुद्ध जी। तो उन्होंने क्या बुलाया था भोजन के लिए, तो क्या हुआ था कि वो महात्मा है ना, जो मतलब काफ़ी सिद्धि प्राप्त कर चुके थे, लेकिन बुद्ध से तो दो तीन सिद्धि कम प्राप्त की थी। बुद्ध को तो पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया, आपको ही पता होगा ये बात। और तो वो उपवास रहे थे, मतलब जो उपवास कहते हैं, जैसे खाना मतलब भूखे रहते हैं सारे दिन, किसी के इष्ट के लिए और जो भी अपना है उनके लिए। तो फिर क्या होता है, भगवान बुद्ध और उनके बातें चल रही थी, तो उनको पता चल गया भगवान बुद्ध को कि इनका उपवास है, इसलिए ये मंत्र मंत्र नदी किनारे पास में बैठे हुए और हवन हवन कर रहे हैं। तो उसने भगवान बुद्ध ने उनसे कहा, थोड़ा रुको कि हमसे बात करो। कि भगवान बुद्ध ने उनसे बात की, फिर क्या हुआ था, भगवान बुद्ध ने उनसे पूछ लिया कि आप ये किसके लिए रहे हो, ये उपवास जो भी हो आप किसके लिए रहे हो। तो फिर उन्होंने कहा कि कुछ मेरे को मुक्ति मोक्ष जो भी प्राप्ति हुई तो उसके लिए। कि अच्छा, ऐसे मुक्ति मिल जाती है आपको, बहुत अच्छा है, अगर भूखे रहने से मुक्ति मिल जाती है तो प्रत्येक जनसंख्या काफ़ी है, तो सब भूखे रहने लग जाएंगे, तो फिर तो स्वर्ग भर जाएगा, फिर मोक्ष की उपलब्धि सबको हो जाएगी। तो फिर आप, उसने कहा साधु ने, कि हे महात्मा, हे बुद्ध, आप ही इसका मार्गदर्शन करो। आप हमसे आयु में तो छोड़ो वैसे, और ज्ञान में आप परम ज्ञानी हो। तो महात्मा बुद्ध ने कहा था, और नदी के पास बैठे थे दोनों। तो क्या हुआ था, महात्मा बुद्ध ने कहा था उनसे कि ये नदी बह रही है, कि हाँ बह रही है। उन्होंने कहा हाँ बह रही है। तो फिर नदी के दोनों किनारे, हाँ जी ये दोनों किनारे। तो महात्मा बुद्ध ने फिर कहा था कि दूसरे किनारे पे जो व्यक्ति खड़ा है उसको उस पार जाना है, मतलब दूसरी तरफ जाना है। पहले किनारे पे जो व्यक्ति खड़ा है उसको दूसरी तरफ जाना है, तो वो कैसे जा सकता है। कि उस महात्मा ने कहा, या तो वो तैर के जा सकता है या फिर नाव के द्वारा। कि हाँ ये सही है, महात्मा बुद्ध ने भी कहा था ये सही बात है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, अगर मैं ऐसे नहीं जाना चाहूँ, मैं व्रत रहूँ या फिर यज्ञ करूँ या कोई बलि दो किसी निर्दोष जानवर की, तो वो दूसरा किनारा चलकर मेरे पास आ जाएगा। फिर वो महात्मा कहता है, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। कि फिर ये कहते हैं गौतम बुद्ध जी, तो ऐसा ये नहीं हो सकता, आप बताओ कि व्रत रहने से या फिर बलि देने से, या बलि देने से पाप कैसे धुल जाते हैं, और व्रत रहने से मोक्ष की तरफ मतलब मन इच्छा पूर्ति कैसे हो जाती है। तो ऐसा तो है नहीं, वो दूसरा किनारा उसके पास आ जाएगा, उसको तैर के चलना पड़ेगा। ये तो भगवान ने लास्ट में जाके ये कहा कि जो भी है ना अपने कर्मों पे, जो भी है अपने कर्मों पे, ये कुछ नहीं, ये जन्म है। जिस प्रकार आम का पेड़ होता है ना, उसमें गुठली रहती है ना, आम की गुठली, तो वो गुठली से कितने फल आते हैं, एक गुठली बोओगे आप तो काफ़ी दिनों बाद कितने फल आएंगे। फिर उन गुठली से दे पुनर्जन्म, बुद्ध ने जो भी माना है उनको पुनर्जन्म का दिया है, आत्मा को वो नहीं दिया। आत्मा की आपकी अगली वीडियो में आपसे आत्मा के बारे में बात करूंगा। तो इतना आज के लिए काफ़ी, और जय भीम, नमो बुद्धाय। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।